अखन धरि सरकार सेहो करा नहीं सकल काज। जनकपुर धाम में परोपकारी संस्था क्लोथ बैंक धनुषा करा लागल अछि। कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल सबके क्लोथ बैंक धनुषा घरे में चिकित्सकीय परामर्श आ आवश्यक पड़ल तो ऑक्सीजन के सेहो व्यवस्था करा लागल अछि। कोरोना संक्रमण भाकर होम आइसोलेशन में रहल सबके लेल परोपकारी संस्था क्लोथ बैंक धनुषा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श आ आवश्यक पड़ल तो घरे में निःशुल्क ऑक्सीजन के व्यवस्थापन में सेहो जुटल अछि। वही के लेल अभियान शुरू केने बैंक शुक्र दिन प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराय के ऑक्सीजन सिलेंडर हस्तांतरण केलक अछि। 51 सदस्य चिकित्सक सबके एक समूह बनाकर चिकित्सक के निगरानी में रहल बीमार सबके आवश्यक पड़ल खंड में जिला प्रशासन कार्यालय मार्फत ऑक्सीजन उपलब्ध कराओल जाय के व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। अहि में जिला प्रशासन कार्यालय सेहो सहयोग तथा स्वामित्व ग्रहण केने अछि। अहि के नीक काज कहैत सीडीओ प्रेम प्रसाद भट्टराय एक गोटे कर्मचारी खटाकर ऑक्सीजन के वितरण व्यवस्थापन करबाक बतौने छथि। संगहि अभियान में प्रमुख जिलाधिकारी सेहो 20 ऑक्सीजन प्रदान केने छथि। अभियन्ता राजीव झाजी उहाँ नेता हुनुहुन्छ र सामाजिक अभियन्ता पनि। उहाँले यो अर्को अभियान सुरु गर्नु त्यसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट हामीले पनि हाम्रो संस्थागत सहभागिता जनाएका छौँ। उहाँले आज ल्याउनु भयो सिलिन्डर र हामी पनि हाम्रो तर्फबाट 20 सिलिन्डर दिएर यो अहिलेको महामारीमा कमसेकम मान्छे जो पीडामा परेका मान्छेहरू छन् अथवा महामारी में समस्या में पड़े मानी इसका ऑक्सीजन रहा डाक्टर को व्यवस्था मिलाने भाषा डाक्टर को संचाल देशभरी धेरे एलायंस एफिलिएसन आई वहां सहभागिता आई रहा ऑक्सीजन में अब जिला प्रशासन को सहमति हमी स्टाफ भी भोलुंटियर खटाया छो राम चीज हो। मानव धर्म अब मानव उद्धार मानव धर्म मं जोगने विषय काम में शुरू में 200 गोटे के लिए ऑक्सीजन व्यवस्थापन कैल जाय। ऑक्सीजन व्यवस्थापन समिति के संयोजक मनोज चौधरी बतौलने 200 सिलेंडर मध्य अखन धरि जिला प्रशासन कार्यालय 20, क्लोथ बैंक धनुषा 10, बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद 3, माँ जानके यातायात प्राइवेट लिमिटेड 2, कैलाश जैन 1, गोपाल साह 1, जनकपुर धाम बस व्यवसाय संघक संस्थापक अध्यक्ष तथा पिपरा महोत्तरी के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र मोहन मिश्र एक थान कहकर 38 सिलेंडर व्यवस्था भ चुकल। ऑक्सीजन व्यवस्थापन समिति के संयोजक चौधरी बतौलनि व्यवस्थापन समिति के तरफ से जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के प्रमुख के हम सब 12 थान ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ा साइज के हस्तांतरण के लिए अहिमे अपने के क्लोथ बैंक धनुषा सिलेंडर उपलब्ध करेलखिन। पिपरा गांवपालिका पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र मोहन मिश्र तथा हमर सबके बस व्यवसाय संघ के अध्यक्ष जी एक सिलेंडर उपलब्ध करेलखिन। तहिना माँ जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली 2 सिलेंडर उपलब्ध करेलखिन। एवं प्रकार से जे सिलेंडर हमरा सबके जे व्यवस्थापन समिति के जे अबै छै तहिना हमर सबके ई मेंबर व्यवस्थापन समिति के सदस्य मेंबर गोपाल साहजी उपलब्ध करेलखिन। संपूर्ण जे उपलब्ध सिलेंडर हमर सबके छलै से आई 12 थान सिलेंडर हम सब प्रजीय के उपलब्ध करेलिए। और जे हमरा सबके व्यवस्थापन समिति के सहयोग कलखिन विशेष करके क्लोथ बैंक लगायत जे सहयोगकर्ता छथिन उनका हम सब बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करे चाहे छी। अहिने हमरा सब जोड़े और साथी सब जुड़थिन उनको हम सब एकटा सम्मान देवे के प्रयास करबै और हम सब निष्पक्ष और पारदर्शी हिसाब से अगाड़ी बढ़े के चेष्टा लेबै और हमर टीम के ऊर्जा देवे के लेल संपूर्ण नगरवासी से अनुरोध करबै। चिकित्सक समूह के संयोजक डॉक्टर अजय झा अभियान सब के लेल भेला सँ सब गोटे के सहयोग करऽ पड़त बतौने छथि। COVID-19 के इलाज जनकपुरे में ताहू में घरे में बनाओल गेल आइसोलेशन में सफलता के संग हुए तैं ई अभियान शुरू भेल। डॉक्टर झा बतौलनि जिला प्रशासन कार्यालय आ क्लोथ बैंक के ई पवित्र काज के हिस्सा बनकर अपना के खुशी लागल हुनक कथन छनि। अभियान भनेको अहिलेको COVID-19 को जुन पेन्डेमिक महामारी चलिरहेछ यसमा सबभन्दा पुण्य काम धनुषा जिल्लाको क्लोथ बैंक हाम्रो जुन अध्यक्ष जी हुनुहुन्छ राजीव जी उहाँ सामाजिक अभियन्ता हो र उहाँको पछाडी
हामी सबै डाक्टरहरुको एउटा ठूलो समूह छ जसलाई हामीले कोभिड 19 को कन्सोर्सियम एक्सपर्टहरुको कन्सोर्सियम बनाया छौं। यसमा झन्डै 40-50 जना विशेषज्ञ डाक्टर नेपाल र नेपाल भन्दा बाहिरका डाक्टरहरुको हाम्रो समूह छ र आज जुन सिडियो साहबको प्रत्यक्ष सहभागितामा र उहाँको निर्देशनमा आज हामीले सिलिन्डर पनि अक्सिजनका सिलिन्डरहरु पनि पाइसक्यौं र यो संस्थामा हामी जम्मा गरिसक्यौं। अब जनताहरुलाई कोभिड 19 जस्तो महामारी परेको बेलामा उहाँहरुको इलाज हाम्रो जनकपुरमै सम्भव पारौं र कसैलाई पनि एम्बुलेन्समा अस्पतालको बेड पाइएन भनेर भौतारिन नपरोस् र हामी सबैजना डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी सामाजिक अभियन्ता र सबै समाज मिलेर यो उपचारलाई हामीले जनकपुरमै घरमै आइसोलेसनमा उपचारलाई सम्भव पार्ने जुन हाम्रो ठूलो अभियानमा हामी लागि परेका छौं र यसमा प्रशासनको सिडियो साहबबाट एउटा बडा सद्भाव कायम भएको छ। राजीव बाबु उहाँ जुन अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँको प्रत्यक्ष निगरानीमा र प्रत्यक्ष सहभागितामा सहकार्यमा हामी चिकित्सकहरू सबैजना एकै ठाउँमा भएर इलाज गरौं र घरमै भएको आइसोलेसनमा उपचारलाई सम्भव बनाऊ भन्ने ठूलो अखन्दर 5 गोटे बिमार सब बैंक के अभियान अन्तर्गत घरे में चिकित्सकीय परामर्श मिले छ। मिथिलांचल एफएम के लेल रिंकू मिस्र गायत्री जनकपुर धाम।